हिंदुस्तान कौन जमाना में आजाद हुआ, ये कोसी बेल्ट अभी तक आजाद नहीं हुआ। आदमी आता है जब तक के नाव का जोगाड़ लगता था वो मर जाता है। अगर यहाँ को पुल दे दीजिएगा तो कम से कम पब्लिक को तो सुविधा हो जाएगा। शासकीय और प्रशासकीय लापरवाही, हीला हवाली और लेट लतीफी देखनी हो तो बिहार आइए। और बिहार में भी अगर विशेष तौर पर देखना हो तो कोसी सीमांचल के भी इलाके में कभी चले आइए। इस समय हम हैं दरभंगा जिले में और दरभंगा जिले के कीरतपुर ब्लॉक में हैं, जमालपुर थाना है और इसको बनरी घाट बोलते हैं। और यहाँ हम जो है आपको एक बोर्ड दिखाई पड़ रहा होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, और यहाँ एक पुल बनना था जो कोसी नदी पर बनना था। ये इस पार से उस पार तक आपको जो वो पेड़ दिखाई पड़ रहे होंगे वहाँ तक इस पुल को जाना था। करीब करीब अप्रोच पथ की लंबाई 160 मीटर होनी थी। जो राशि है जो वो 3,52,17,600 ये मतलब ये बोर्ड लग चुका है और इसके कार्य आरंभ की जो तिथि थी वो 12/7/2017 थी। कार्य समाप्ति की तिथि 11/7/2018 थी। संवेदक का नाम भी आप देख लीजिए, मेजर्स कुंवर कंस्ट्रक्शन दरभंगा। पुल नहीं होने की वजह से सबसे बड़ी समस्या सर ये है, जितने भी गर्भवती महिलाएं को हॉस्पिटल तक अगर पहुंचाने के लिए चाहते हैं इस नाव ये नदी के कारण सही टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं। इसके चलते हजारों के संख्या में प्रत्येक साल नवजात शिशु और नवजात जितने भी माताएं हैं उनका जान जाता है। सबसे उससे भी जो लड़की है सब आदमी अगर पढ़ने के लिए विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है सर। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये नदी के चलते न टाइम से वो स्कूल कोई कोचिंग सेंटर कहीं भी नहीं जा सकते हैं और नहीं अच्छा ढंग का शिक्षा हो पाता है। हिंदुस्तान कौन जमाना में आज़ाद हुआ, ये कोसी बेल्ट अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। आदमी आता है जब तक के नाव का जोगाड़ लगता था वो मर जाता है। अगर यहाँ वो पुल दे दीजिएगा तो कम से कम पब्लिक को तो सुविधा हो जाएगा, आराम हो जाएगा। चुनाव का जब समय है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी, इतना सारा नेता लोग आ रहा है, इतना बस सर वोट लिया बेचारा अपना घर गया, समझ गए, वोट लेकर अपना घर गया। पानी जब भर जाता है इसमें तो हम लोग को डर हो जाता है, रात को नींद नहीं होता है कि अगर बांध ही टूट जाएगा तो हम लोग तो बर्बादी हो जाएंगे साहब। तो इसी नाव से आना जाना? हाँ, मजबूरी में। तमाम नाव से जी। पर्सनल नाव है कि इसको किराया देना पड़ता है? नहीं सर, घाट वाला नाव चलता है, समझो 5 रुपया दे देता है, कोई कोई नहीं वो देता है। सरकारी नावे नहीं है यहाँ पर? नहीं, सरकारी नाव नहीं है सर। ये हम लोग को पूरा परेशानी हो रही है पुल के कारण में, पुल के कारण में पूरी परेशानी हो रही है। नदी है उधर, रोड पेरा नहीं बन रहा हमारे गाँव में, अमृत नगर गाँव में है पूरा एकदम, पूरा मुखिया ने सरपंच कुछ नहीं करता है। हाँ, हम लोग को पूरा परेशानी चल रहा है बाढ़ में ना। हाँ, पानी में ना, अभी न मक्के के तो फसल नहीं हो, बोरा पार कैसे करता है, नहीं होता है, नाव का दिक्कत होता है, पुल नहीं है इसलिए दिक्कत होता है। लोकसभा चुनाव भी हो गया, फिर से विधानसभा, फिर से विधानसभा जी, तो तमाम पार्टी वाला लोग भी आकर के घूमने लगा होगा, घूमने लगा जी। आप लोगों से बात भी करता होगा फूला को लेकर के, क्या बातचीत होता है? जीत जाएंगे तो फूला कर देंगे, जीतता है तो फूले नहीं करता है सर, जीत जाता है तो फूले नहीं करता है। हाँ, ऐसे ही टाल टाल के चला गया है, कितना 10 साल हो गया, 10 साल से कर रहा पुल हो जाएगा, पुल हो जाएगा, पुल ही नहीं करता है। हाँ, इतना ही दिक्कत है सर, तेल महंगा कर दिया हम लोगों के, किसाने पर सबटा बढ़ रहा है, पुल्ला कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कुछ कोई देख रहे कहीं सामान भी नहीं गिरा है, ना कुछ गिरा है।